हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत के वायसराय। आज हम जो कुछ वायसराय रह गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कल की वीडियो में हमने कुछ वायसराय को डिस्कस किया है। जिसने अभी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कल की वीडियो में हमने लास्ट जो वायसराय डिस्कस किया था लॉर्ड इरविन को, है ना, लॉर्ड इरविन को हमने डिस्कस किया था, जो 3 अप्रैल 1926 में वायसराय के पद पर नियुक्त किए गए थे, और 18 अप्रैल 1931 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया था। अब देखिए, लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, है ना, बम्बई पहुंचा था। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखिए, साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया था, और ये आगे चल के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, और इन्हीं के समय में भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। इसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली में असेंबली हॉल पर बम फेंका था। कहाँ बम फेंका था? दिल्ली में असेंबली हॉल पर बम फेंका था, है ना। और इसी के समय लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल की, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो अंग्रेजी कैदियों के साथ कुछ अलग व्यवहार करते थे और भारतीय कैदियों के साथ कुछ और ही व्यवहार किया जाता था, है ना। इसी कारण से ये भूख हड़ताल हुई थी, और इस भूख हड़ताल के चलते 13 सितंबर 1929 को 64वें दिन, इस हड़ताल के 64वें दिन जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। किसके काल में? इरविन के शासनकाल में। इरविन के कार्यकाल के दौरान गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, और 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन के बिना शर्तों के उन्हें छोड़ दिया गया था, है ना। कोई शर्त नहीं रखी गई थी, उनको छोड़ दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस के 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया, और अपने कुछ अनुयायियों के साथ इन्होंने दांडी यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा था। इरविन के समय में 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और 1931 में गांधी जी और इरविन के द्वारा एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। और इस समझौते में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था, है ना। और इरविन के समय में ही खनन और भूविज्ञान के विकास के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की शुरुआत की गई थी। है ना। इतने कार्य किसके शासनकाल में किए गए थे? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में किए गए थे। इसके बाद देखिए, अब जो लॉर्ड इरविन के बाद अगला वायसराय बनाया गया वो किसे बनाया गया? लॉर्ड वेलिंगटन को। लॉर्ड वेलिंगटन को अगला वायसराय बनाया गया था, है ना। लॉर्ड वेलिंगटन 18 अप्रैल 1931 में इन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया, और 18 अप्रैल 1936 तक वेलिंगटन ने इस पद पर कार्य किया। देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में ही 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया।
गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, है ना। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था, है ना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। कब? 3 जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा प्रारंभ किया गया था, है ना। इसके पहले 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और 1931 में गांधी और इरविन समझौता जो हुआ था उसमें इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसके बाद 16 अगस्त 1932 में रैमजी मैकडोनाल्ड, 16 अगस्त 1932 में रैमजी मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, है ना, और इन्होंने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। रैमजी मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। और ये देखिए, सांप्रदायिक पंचायत जो इसकी घोषणा की गई थी, यह जो फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, उसी के जैसा था ये सांप्रदायिक पंचायत, उसी का एक रूप था, है ना। फूट डालो राज्य करो की नीति का ही एक रूप था सांप्रदायिक पंचायत। इसमें जो भारतीयों के बीच में आपसी खाई को और बढ़ाने के लिए, जो भारतीयों के बीच में आपसी खाई थी उसको और बढ़ाने के लिए ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके अनुसार दलितों को अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया था, और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो भारतीयों के बीच में जो खाई थी उसको और बढ़ाने के लिए इस पंचायत की घोषणा की गई थी, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, है ना। जो दलित वर्ग के लोग थे उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा गया था, दलित वर्गों का अलग निर्वाचन मंडल प्रावधान किया गया था। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया गया था। इस उपवास में खाना त्याग दिया था उन्होंने, पानी पी सकते थे, है ना। तो ये उपवास किया था उन्होंने इसको हटाने के लिए, और अंत में एक समझौता किया गया जिसे पूना समझौता कहा गया। पूना समझौता कहा गया था, है ना। ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। ये जो पूना समझौता हुआ था ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में हुआ था, है ना। ये किसके बीच में हुआ था? तो यह गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था, है ना। इसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों की सीटों का आरक्षण किया गया था। ये जो दलित वर्ग के लोग थे उनके लिए साधारण वर्गों की सीटों का आरक्षित किया गया था, है ना। इसके देखिए, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक, कब? 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक
1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। द्वितीय कब किया गया था? 7 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, है ना। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, है ना। और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में जो इसका आयोजन किया गया था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। वेलिंगटन के समय में, देखिए वेलिंगटन के समय में ही 1932 में देहरादून में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना की गई थी। भारतीय सेना अकादमी या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की गई थी, कहाँ? देहरादून में। देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। और भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की गई थी, साथ ही भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की गई थी। देखिए 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था, है ना। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैक्ट, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैक्ट या फिर कहें भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था, और इस अधिनियम के तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। ये जो भारत सरकार अधिनियम चलाया गया था इसके तहत ही बर्मा को 1935 में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया था, अलग कर दिया गया था, है ना। इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। देखिए जो लॉर्ड वेलिंगटन था उसने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा द्वारा की गई थी। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में कब हिस्सा लिया था? 1915 में हिस्सा लिया था, है ना। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुए थे। देखिए तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुए थे। लॉर्ड वेलिंगटन 18 अप्रैल 1931 में से वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया था और 18 अप्रैल 1936 तक इसने इस पद पर कार्य किया था। इसके शासनकाल में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग लिया था, और इसके पहले, देखिए इसके पहले लॉर्ड इरविन के शासनकाल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था 12 नवंबर 1930 में, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, और इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इस सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, है ना। इस देखिए, और 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी।
उनके द्वारा सांप्रदायिक विवाद इस पर सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। और यह पंचायत सांप्रदायिक पंचायत भी जो उन्होंने फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई थी उसी का एक रूप था। और इसके बाद इन्होंने पूना समझौता किया 24 सितंबर 1932 को। यह समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, है ना, दलितों के लिए यह समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, और दलितों के लिए जिसमें दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था, है ना। इसके बाद 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, है ना। और इसी के शासनकाल में, वेलिंगटन के शासनकाल में भारतीय सेना अकादमी की देहरादून में स्थापना की गई थी, है ना। और वेलिंगटन के शासनकाल में ही भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की गई थी। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था और 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, है ना। और देखिए इसके बाद कांग्रेस बंबई अधिवेशन 1915 में वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में किए गए थे, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में किए गए थे। इसके बाद देखिए जो अगला वायसराय नियुक्त किया गया, किसे, लॉर्ड लिनलिथगो को अगला वायसराय नियुक्त किया गया था। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद लॉर्ड लिनलिथगो को अगला वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो को 18 अप्रैल 1936 में इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 10 अक्टूबर 1943 तक इसने इस पद पर कार्य किया। सॉरी 18 अप्रैल 1936 में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 10 अक्टूबर 1943 तक लिनलिथगो ने वायसराय के पद पर कार्य किया था। इनके समय में पहली बार चुनाव कराए गए थे। लिनलिथगो के शासनकाल में पहली बार चुनाव कराए गए थे। में से कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई थी। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में, है ना, अपनी सरकार बनाई थी। देखिए वो 8 प्रांत कौन कौन से थे, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम। ये 8 प्रांत थे जिनमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी, है ना। देखिए इन 8 प्रांतों में से 6 प्रांतों में तो स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त हुई थी कांग्रेस के लिए, लेकिन बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुई थी, है ना। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने बिना भारतीयों की अनुमति लेकर, बिना भारतीयों से पूछे, उनको इस युद्ध में झोंक दिया था। कब, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, है ना, और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे उनको इस विश्व युद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया था, ना कोई भाई ना कोई पाई। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, कांग्रेस के द्वारा दिया गया था।
इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था, है ना, सभी मंत्रिमंडलों ने इसमें त्याग पत्र दे दिया था। और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर एक नई पार्टी का गठन किया था, कब, 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1939 ईस्वी में, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। इस पार्टी का गठन किया था 8 अगस्त, देखिए पहली बार मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, 1940 में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई थी पाकिस्तान लीग के द्वारा, है ना। तो ये मांग रखी गई थी पाकिस्तान लीग के द्वारा, और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। देखिए 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, 1940 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, और 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था, 1942 ईस्वी में लिनलिथगो के शासनकाल में ही क्रिप्स मिशन भारत आया। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, कब, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये आंदोलन अंग्रेजों के लिए चलाया गया था कि भारत को छोड़ो, है ना, भारत को छोड़ के जाओ, इसलिए ये गांधी जी ने आंदोलन चलाया था और भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 9 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। इसी के साथ ही लिनलिथगो के शासनकाल में 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, कितने कार्य किसके शासनकाल में हुए, लिनलिथगो के शासनकाल में हुए, है ना। लिनलिथगो 18 अप्रैल 1936 में से वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया, 10 अक्टूबर 1943 में इसने इस पद पर कार्य किया। इसके शासनकाल में पहली बार चुनाव किए गए थे, है ना, और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी और 6 प्रांतों में उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था और 2 प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, है ना, 6 प्रांतों में स्पष्ट रूप से उनको बहुमत प्राप्त हुआ था। 1 सितंबर 1939 में लिनलिथगो के शासनकाल में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया गया था, जिसमें अंग्रेजों ने, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे उनको इस युद्ध में झोंक दिया था, और इसका विरोध करते हुए गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए एक नारा दिया गया भारतीयों द्वारा, ना कोई भाई ना कोई पाई, है ना, ना कोई भाई ना कोई पाई, ये नारा दिया गया। और इसने अपने शासित प्रांतों में सभी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिए थे। इसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक, एक नई कमेटी का गठन किया गया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1940 में पहली बार मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी, है ना, और 8 अगस्त 1940 में
अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था ये प्रस्ताव? अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। 1940 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस ने व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। कब? 1940 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और 9 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। तो इतने कार्य लिन लिथगो के शासनकाल में हुए थे, है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो वायसराय रह गए हैं लास्ट, उनको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।